हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। सो गाइस, आज के सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट एचआर। ठीक है, द ह्यूमन रिसोर्स। तो एचआर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉप कॉलेजेस। ठीक है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं एचआर के लिए। ठीक है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स जो हैं दे जनरली एक्सेप्ट। ठीक है, तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर द, अगर आप अगले साल कैट लिखने जा रहे हो, इनफैक्ट आप इस साल कैट लिखने जा रहे हो, तो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके रेडार में होने चाहिए फॉर द एचआर के लिए, तो वो सब हम आज इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो बिफोर स्टार्टिंग देर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट दैट अगर इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर MHCET, CUET और CMAT भी आप लोग अगर देने वाले हो, तो वी आर कमिंग अप विद द फ्री सेशंस ऑन यूट्यूब फॉर द MHCET, CMAT एंड CUET। तो ये सेशन्स आपके होंगे 6 नवंबर से, यानी कल से ये वाले सेशन्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। दे विल बी सेशन्स विल बी लाइव। ठीक है, ये सेशन्स हमारे लाइव रहेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो एक दिन क्वांट का सेशन, एक दिन LR का, एक दिन वर्बल का सेशन रहेगा लाइव सेशन। एंड लेटर ऑन वी विल ऑल्सो कम अप विद अ डेडिकेटेड पेड बैच फॉर द MHCET एंड CMAT, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द 1st of December। ठीक है, तो बिफोर दैट आप इन सेशंस को अटेंड कर सकते हो, अपना फंडामेंटल्स आप क्लियर कर सकते हो। तो इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर दीज एग्जाम्स देन आप डेफिनेटली इन सेशंस को चेकआउट करना। ठीक है, तो कमिंग ऑन टू द एचआर, तो देखो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि वट इज इट ऑल अबाउट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली यू विल बी स्टडिंग द आस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ रिक्रूटिंग एंड हायरिंग एंड रिक्रूटिंग विल बी द मेजर पोर्शन। यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक HR को देखनी होती है। बेसिकली HR एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टॉप हायरार्की एंड द लोअर हायरार्की। ठीक है, कि टैलेंट एक्विजिशन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द टैलेंटेड पीपल दे हैव। तो अच्छे टैलेंट को रिक्रूट करना, देन उसको होल्ड ऑन करना, दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक HR के पास होती है। ठीक है, तो दैट इज अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट दी HR की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज एन HR। ठीक है, तो अब क्या क्या रोल्स जो ऑफर्ड होते हैं बेसिकली एन HR को। ठीक है, दीज आर कंसल्टेंट हो गया आपका, ठीक है, HR बिजनेस एनालिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया, ठीक है, पीपल केयर एडवाइजर एंड HR मैनेजर। देर आर अ डिफरेंट रोल्स दे आर ऑफर्ड इन दिस कैटेगरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप HR के अंदर ऑफर किए जाते हैं, दीज आर द रोल्स। तो नाउ कमिंग ऑन टू द टॉप कॉलेजेस, तो मेन अपने को जानना है कि यार कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने लिए बेस्ट रहेंगे व्हेन इट कम्स टू द प्लेसमेंट इन HR। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द XLRI। ठीक है, XLRI जो है आपका ZAT के थ्रू लेता है, GMAT और GRE अगर आपने दिया है तो उसके थ्रू भी ये आपको एक्सेप्ट करेगा फॉर देयर कोर्सेज। अब इसका जो हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें, तो दीज आर द रीसेंट पिछले एक दो साल के जो पैकेजेस हैं, तो द हाईएस्ट पैकेज सीन इज अराउंड 75 लाख। राइट, तो इन फिगर से यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ, इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर द HR की, अगर अपने को HR में करना है, तो देन डू इट फ्रॉम द कॉलेजेस जो आपको बेस्ट इन रिटर्न देंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द कंपनीज बेसिकली जो यहाँ से रिक्रूटमेंट लेती हैं। ABG इज देयर, एक्सेंचर, एयरटेल, अमेजोन, एशियन पेंट्स, बजाज, SR, ठीक है, HDFC, रिलायंस, सन फार्मा एंड सो ऑन, दीज आर देयर टॉप रिक्रूटर्स। ठीक है, तो दिस इज द, अगर हम बात करें किसका, तो एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 29 to 30 lakh। एंड फी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, दीज आर नॉट द एक्यूरेट फिगर्स, ठीक है, दे आर राउंडेड फिगर्स है, तो अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं के आसपास जो है वैल्यू मिलेंगी आपको। तो फीस जो है इसका लगभग 25 लाख है एंड एवरेज पैकेज इज अराउंड 29 लाख। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द कॉलेजेस इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर HR, तो आप ZAT अगर दे रहे हो और या फिर अगले साल यू आर प्लानिंग, तो देन फोकस ऑन ZAT ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द CAT। आप ZAT भी, इट विल एक्सेप्ट ओनली ZAT, GMAT और GRE ही ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, देन अनदर कॉलेजेस इन द लिस्ट इज द TISS, राइट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज अ रीसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर मैनेजमेंट में,
इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, द फीस इज ऑनली 2 लाख, अराउंड 2 लाख, बिटवीन 2 to 3 lakh यू विल बी इन्वेस्टिंग. और अगर आप इनका एवरेज पैकेज देखोगे तो दैट इज अराउंड 27 lakh, राइट. तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आप बोल सकते हो. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज बेसिकली बहुत ही रिनोन कॉलेज है. दिस इज हाइएस्ट पैकेज जो रिसेंट ईयर में देखा गया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 49 lakh. एंड पिछले साल तक क्या होता था कि दे डू एक्सेप्ट थ्रू CUT के थ्रू एडमिशन से लेते थे, बट दिस ईयर दे हैव अनाउंस्ड कि वो एंटायरली कैट से ही शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द GDPI एंड अदर प्रोसेस. ठीक है, तो अगर आप लोग कैट दे रहे हो तो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस कि आपको फिर अलग से CUT नहीं देना पड़ेगा. तो थ्रू योर कैट स्कोर्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द टिस एज वेल, अगर HR आपका गोल है, राइट. देन अनदर कॉलेजेस इज NMIM. ठीक है, NMIM मुंबई इज नारसी मोंजी जो है. यहाँ पर आप देखोगे तो फी स्ट्रक्चर इज अप्रॉक्सीमेटली 24 lakhs, लेकिन इसमें जो एग्जाम है दैट इज एंटायरली NMAT. ठीक है, तो NMAT एग्जाम अगर आप लोग जो अगर इस साल आप दे रहे हो तो डेफिनेटली आपने NMAT भरा होगा. NMIM अगर आपके टारगेट पे है, ठीक है, अगले साल अगर आप प्लान कर रहे हो तो देन NMAT इसके लिए एक एग्जाम होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट पेपर होता है देन द ट्रेडिशनल पेपर, जैसे कैट स्नैप के पेपर, CMAT का पेपर होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट अडेप्टिव पेपर होता है. ठीक है, तो NMIM की अगर आप बात करो तो एंटायरली एक एग्जाम आपको जो देना पड़ेगा दैट इज NMAT देना पड़ेगा. ठीक है, इसका अगर पैकेजेस की बात करें पर्टिकुलरली, इट इज ऑल्सो गुड फॉर अदर ब्रांचेस, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली इसका MBA HR का बात करें, दिस इज 2022-23 का ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है जो हमने बेस बनाया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एवरेज पैकेज इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 19.56 जो है इनका एवरेज पैकेज रहा है. अगर हम टॉप 10% जो बैच है उसमें 25.64 का है, टॉप 15, ठीक है, टॉप 25% का ये पैकेज है. ठीक है, एंड दीज आर द रिक्रूटर्स. अगर आप लिस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स पे देखोगे तो दीज आर द लाइक टॉप नॉच कंपनीज इज देयर, है ना. तो अगर आप दीज आर देयर प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जो दे डू रिक्रूट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो लुकिंग एट दीज फिगर्स NMIM इज ऑल्सो अ गुड चॉइस. ठीक है, ऑल द कॉलेजेस, हम जितने बेस्ट कॉलेजेस HR के हो सकते हैं राइट नाउ, ठीक है, उनको वी आर डिस्कसिंग. देन आफ्टर द NMIM मुंबई वी हैव दिस इज IIM इंदौर. दोज गाइज हु आर इन टू द कैट, तो देन आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है HR के अच्छे प्लेसमेंट के लिए, दैट इज IIM इंदौर. एवरेज फीस इज दिस एग्जाम, तो IIM है तो डेफिनेटली इट विल टेक कैट का ही एग्जाम ये ले. ठीक है, इसके अगर आप एवरेज पैकेजेस की बात करोगे, एवरेज CTC, मीडियन CTC, तो इट इज एवरेज इज रफली आपके पास 25 से 26 लाख पर एनम का पैकेज एट एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो बीइंग एन IIM देयर इज अ ब्रांड वैल्यू ऑल्सो. ठीक है, कि IIM का टैग आपके साथ लगेगा. ठीक है, दीज आर द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स एंड एवरीथिंग. कैन चेक इट आउट कि भाई इफ यू आर प्लानिंग कि भाई दीज आर माई ड्रीम कंपनीज, कभी आपने सोचा होगा कि इसमें मुझे काम करना है एज एन HR, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ दीज आर द टॉप कंपनीज है. ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलेज अगर हमारी लिस्ट में देखें तो दैट इज वी हैव MDI. ठीक है, MDI गुड़गांव इज देयर. तो MDI गुड़गांव इज ऑल्सो अनदर गुड चॉइस. ये भी कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट करता है फॉर इट्स एंट्रेंस. ठीक है, फीस इसका भी अप्रॉक्सीमेटली देखोगे आप तो 20 to 25 lakhs का 25 lakhs है अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, एंड अबाउट दी प्लेसमेंट्स, तो अगर आप इसका HR का प्लेसमेंट देखोगे प्रीवियस कुछ ईयर का, अगर आप प्लेसमेंट देखोगे यहाँ पे, तो यू विल सी दैट जो एवरेज है दैट इज अराउंड 25.5. ठीक है, मीडियन CTC देखोगे तो 24.2 है, एंड दीज आर द प्रोमिनेंट. हाइएस्ट अगर आप इसका देखोगे तो दैट इज 63.3 LPA है, राइट. तो दीज आर द फिगर्स. अल्टीमेटली देखो, हमारे लिए अच्छा कॉलेज इज बेसिकली वट, कि जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है. तो दीज आर द कॉलेजेस की जहां पर आप अगर 25 lakh इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो देर आर गुड चांसेस की यू विल रिकवर योर इन्वेस्टमेंट, राइट.
तो दीज आर द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स, KPMG इज देयर, एक्सेंचर इज देयर, एयर इंडिया, कॉग्निजेंट एंड ITC एंड अदर कंपनीज आर देयर. तो MDI गुड़गांव इज अनदर एग्जाम इन योर लिस्ट, ठीक है, जो अगेन कैट का स्कोर लेता है. ठीक है, तो एक अच्छा कैट का स्कोर इज द मैंडेटरी. फिर अनदर कॉलेज कि भाई फॉर द पीपल जिनको लगता है कि कैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस, तो देन वी हैव SC MHRD. तो SC MHRD जो है वो स्नैप लेता है, राइट, एंड ये स्नैप के थ्रू लेता है, इट इज द सिम्बाइसिस का ये कॉलेज है. तो ये आपका क्या लेता है, स्नैप लेता है. ठीक है, तो स्नैप एग्जाम की अगर हम बात करें कि इफ यू गाइज आर न्यू टू दिस एग्जाम्स, तो डिफिकल्टी वाइज अगर हम बात करते हैं तो स्नैप इज ऑन अ ईजियर साइड कंपेयर टू कैट जैट, दिस इज ऑन अ ईजियर साइड. प्लस इसमें क्या होता है, देर आर थ्री अटेम्प्ट्स. ठीक है, देर आर थ्री अटेम्प्ट्स, आप तीन बार अटेम्प्ट दे सकते हो स्नैप का, एंड बेस्ट ऑफ थ्री से आपका सिलेक्शन हो. ठीक है, बेस्ट ऑफ थ्री, दोज हु डू नॉट न्यू. तो स्नैप इज एन एग्जाम विच इज अ बिट ईजियर कंपेयर टू द कैट एंड जैट, एंड यहाँ पे तीन अटेम्प्ट होते हैं. कैट जैट में तो आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, वो आपका अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया, बट स्नैप इज समथिंग कि जहाँ पर आपका एक अटेम्प्ट अगर खराब हो गया तो आप दूसरा तीसरा अटेम्प्ट देके अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है, बेस्ट ऑफ थ्री इट विल सेलेक्ट. तो एवरेज इसका फीस स्ट्रक्चर इज सेम एज देखोगे आप तो IIMs का भी लगभग यही फी स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो SC MHRD में का अगर हम प्लेसमेंट एंड ऑल पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो आप प्लेसमेंट एंड ऑल पे देखोगे तो यू विल बी एवरेज CTC अराउंड 24 के आसपास है. ठीक है, हाईएस्ट एंड द मीडियन CTC. ठीक है, तो इन फिगर्स से, राइट, दीज फिगर्स आर देयर क्योंकि अल्टीमेटली यार अपने को तो दीज फिगर्स आर समथिंग वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टू, है ना. तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग अराउंड 22-25 लाख, तो एटलीस्ट आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना तो पैकेज यू हैव टू टेक, तभी आपका वो अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है. एंड अबाउट द कंपनीज, दीज आर द लिस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है, जिसको आप पॉज करके देख सकते हो. तो नेक्स्ट कॉलेज फिर अपनी जो लिस्ट में है दैट इज IIM लखनऊ. अगेन IIM लखनऊ कैट लेगा. ठीक है, दोज पीपल हु आर टारगेटिंग कैट, ठीक है, तो HR के लिए इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड चॉइस. इसका अगर आप देखोगे द प्लेसमेंट रिपोर्ट अगर आप चेक करोगे तो देर इज द एवरेज CTC अगर आप देखोगे तो अराउंड 32.2 है. ठीक है, देन यू हैव टॉप 10% ऑफ बैच, टॉप 25% बैच, टॉप 50% जो है बैच, ठीक है, वो सारा यहाँ से आप देख सकते हो. एंड द लिस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स कि यहाँ पे कौन सी कंपनी में कितने लोग प्लेस हुए हैं. ठीक है, सो बॉस्टन एंड इज देयर 24, एक्सचेंजर में 36, डेलॉइट 22 एंड सो ऑन. तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द रिक्रूटर्स जो इन जो IIM यहाँ से रिक्रूटमेंट ले गए, एंड दिस इज द आपका पे स्केल एंड ऑल. फिर नेक्स्ट वी हैव इन आर लिस्ट इज SIBM पुणे. ठीक है, दिस इज SIBM पुणे. तो एक नॉन कैट एग्जाम है कि आपको स्नैप, वही स्नैप वाला जो केस है जो SC MHRD का था कि बेस्ट ऑफ थ्री अटेम्प्ट्स दे विल कंसिडर. तो SIBM पुणे का फीस स्ट्रक्चर इज अराउंड 22 लाख. ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, माइट बी ऊपर नीचे हो सकता है. एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे तो दैट इज अराउंड 28 इसका एवरेज पैकेज गया है. एंड अबाउट द प्लेसमेंट हाईलाइट्स, ठीक है, तो दीज आर द प्लेसमेंट हाईलाइट्स. अगर आप देखोगे एवरेज इज अराउंड 28.16 है. ठीक है, हाईएस्ट इज 49, मीडियन इज दिस मच. ठीक है, सेक्टर वाइज भी यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि किस किस सेक्टर में जो है, दैट इज द सेक्टर वाइज प्लेसमेंट इन द HR सेक्शन. देन नेक्स्ट दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स से जो रिक्रूटमेंट है. ठीक है, दीज आर द कंपनीज विच हैव टेकन, तो दीज आर द सी रोल्स ऑफर्ड थ्रू SIBM पुणे. आफ्टर द SIBM पुणे वी हैव IIM रांची. ठीक है, अगेन IIM रांची इज अ कैट कॉलेज. एवरेज पैकेज आप देख सकते हो, फी स्ट्रक्चर
एंड एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट करता है, इट इज कैट। ठीक है, इसका अगर आप प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक करोगे तो दीज आर द 2021 एंड 2022 फोर बैच का दिस इज द प्लेसमेंट। ठीक है, एवरेज अगर आप देखोगे 21-23 में 16.3 है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, मीडियन में भी इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एंड ऑल्सो देर इज एन इंक्रीमेंट इन द हाइएस्ट सैलरी। फिर अनदर कॉलेज दैट इज आई एम त्रिची, अगेन आई एम त्रिची थ्रू द कैट। तो आई एम त्रिची वी हैव अ फी स्ट्रक्चर इज अराउंड 19, एग्जाम इज अ कैट के थ्रू दे विल टेक। ठीक है, इसका प्लेसमेंट देखोगे अगर आप तो दिस इज द PGPM फॉर HR का 22-24 बैच का ये प्लेसमेंट है। तो हाइएस्ट इट इज देयर, एवरेज आप देखोगे तो 23.44 है। ठीक है, एवरेज फॉर द ईयर, एवरेज पूरे बैच का देखोगे तो अराउंड 17.88 है एंड मीडियन इज 17। तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ऑल दीज कॉलेजेस आर टॉप कॉलेजेस। ठीक है, तो इसमें हमने वो कॉलेजेस भी देखे विच आर जो कैट ले रहे हैं, नॉन कैट कॉलेजेस आर ऑल्सो देयर। ठीक है, थ्रू NMAT, थ्रू SNAP, थ्रू ZAT, ठीक है, और थ्रू कैट तो है ही। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर HRM तो दीज आर सम कॉलेजेस जो डेफिनेटली आपको अपने रेडार में रखने हैं। ठीक है, इन कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है, व्हाट इज़ द परसेंटाइल क्राइटेरिया, ठीक है, व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, इफ़ यू नीड एनी थिंग टू नो अबाउट द एडमिशन प्रोसेस और इफ़ यू आर न्यू टू द कैट, आप अगले साल प्लान कर रहे हो कैट देने का, तो यू कैन गिव एस अ कॉल। ठीक है, आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे यू कैन गिव एस अ कॉल टू नो एनीथिंग अबाउट दीज कोर्सेज। ठीक है, एट लास्ट इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर द कैट फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो रिसेंटली आर फर्स्ट बैच फॉर द कैट एंड ओमैट्स इज स्टार्टेड। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है आपका ऑलरेडी। अब इस बैच में आप देखोगे तो वी आर कवरिंग कैट के साथ साथ ओमैट्स भी कवरिंग। ओमैट मीन्स दैट विल बी कवरिंग स्नैप, ठीक है, एंड NMAT, ठीक है, स्नैप NMAT इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स द नॉन कैट एग्जाम्स, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, राइट नाउ दिस इज द प्राइस ऑफ द बैच। सो ये बैच के फीचर्स हैं। ठीक है, इफ यू गाइज आर प्लानिंग और एनी ऑफ योर फ्रेंड इज प्लानिंग फॉर द कैट 2025, सो यू कैन रेफर देम। ठीक है, द बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 7th of October। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दीज नंबर्स। ठीक है, दीज आर द ऑफिशियल नंबर्स। इफ यू नीड टू कोई गाइडेंस आपको चाहिए, यू नीड टू नो अबाउट एनी कॉलेजेस एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, तो यू कैन गिव अस कॉल ऑन दीज नंबर्स बिटवीन 11 to 7, राइट। सो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, यू गाइज आर प्लानिंग फॉर HR एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो वील कम अप विद द मोर वीडियोज जिसमें आपको आइडिया लगे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अदर स्पेशलाइजेशन एज वेल, तो यू कैन मैंशन इन द कमेंट्स, तो वी विल कम अप विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।